डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 12.9 पॉइंट नाइन एंड इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ओपन लूट पोल एंड सबसे पहले एडिशन ऑफ पोल देखते हैं कि एडिशन ऑफ पोल से क्या इफेक्ट आएगा एडिंग ए पोल टू दी ओफ एस एच ओफ एस इन दाफ ऑफ एस प्लेन हैज़ दी इफेक्ट ऑफ पुशिंग ओरिजिनल रूट लोकस टुअर्ड्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन तो इससे ये होगा कि अगर हम ओपर लुप ट्रांसफर फंक्शन में पोल को ऐड करते हैं तो इससे ये होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा एस प्लेन पर और जो इफेक्ट होगा वो ओरिजिनल रूट लोकस को एस प्लेन में राइट हैंड साइड पर मूव करेगा अगर हम यहाँ देखें क्रस्पॉन्डिंग रूट लोकस इज शोइंग इन दिक्चर इस पॉइंट पर अगर देखें तो इस रूट लोकस का के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू तो जो रूट लोकस होगा वो ब्रेक अवे पॉइंट में इस साइड पर मतलब ये ब्रेक अवे पॉइंट है और यहीं से रूट लोकस जो है वो इसका स्टार्ट होगा अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं और एडिशन करते हैं एक पोल का now if pole at s is equal to minus 4 is added to the g of s h of s अच्छा अब इसी same transfer function में एक pole का addition करते हैं जो कि है s is equal to minus 4 ठीक है अब इस addition को इस transfer function के साथ तो अब क्या होगा so for any value of k before addition of pole in left half system is totally stable बट आफ्टर एडिशन ऑफ पोल इन लेफ्ट हाफ टू ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस आफ्टर सम वैल्यू ऑफ के मूव इन राइट हाफ ऑफ एक्सप्लेन तो अब होगा ये जब एक पोल और एड हो गया और एड होने से दो ब्रांचेज जो है वो निकलेंगी ठीक है और वो कहाँ जाएंगी वो राइट हैंड साइड पर मूव करेंगी यहां देखें तो अब इस पॉइंट से राइट हैंड साइड पर दो ब्रांचेज जो हैं वो मूव करना शुरू कर रही हैं ठीक है सम वैल्यू ऑफ के जो यहां पर कोस्पोंडिंग वैल्यू थी जो भी के की वैल्यू होगी उस वैल्यू पर मूव इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन सो सिस्टम अप टू दिस वैल्यू ऑफ के इज स्टेबल तो हम ये कह सकेंगे कि जो भी इस वैल्यू ऑफ के थी वहां तक सिस्टम जो है वो स्टेबल जाएगा बट आफ्टर दिस वैल्यू ऑफ के सिस्टम बिकम अनस्टेबल तो जो भी गेन की वैल्यू के की जो यूज हो जाएगी तो हम ये कहेंगे अब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम गेट्स रिस्ट्रिक्टेड तो आफ्टर दिस वैल्यू ऑफ के स्टेबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी अब एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें एक पोल को और ऐड करते हैं ताकि उससे और अंदाजा हो पाएगा कि सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो इंप्रूव करती है और इसके अलावा जो है ऑसिलेटरी नेचर वगैरह होगा कि नहीं होगा इफ नाउ वन मोर पोल एट एस इज इक्वल टू माइनस सिक्स इज एडिड टू दिस्टम अब इस सिस्टम में आ, हम ये कहेंगे कि एक पोल जो है वो और एड कर दिया गया दैट वन इज माइनस सिक्स अब ब्रेक अवे पॉइंट इन सेक्शन एस इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू पहले ब्रेक अवे पॉइंट जो था वो था जीरो और माइनस टू पे के दरमियान में ये वाला ब्रेक अवे पॉइंट था तो अब क्या होगा इस पोल के ऐड होने से गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस तो हम देखेंगे कि एक पोल के एडिशन से जो न्यू ब्रेक ब्रेकवे पॉइंट था वो ये ऐड हो गया ठीक है यहां से इस जगह पे ऐड हुआ तो इसका मतलब ये हुआ टुवर्ड्स राइट एज कंपेयर टू प्रीवियस केस सिस्टम स्टेबिलिटी फर्दर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड

जैसे जैसे वो इस जेओ एक्सिस की तरफ आएगा क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सिस है इस पर जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है वो क्रिटिकली स्टेबल होती है या मार्जिनली स्टेबल होती है और वो ऑसिलेटरी इन नेचर होती है तो इससे ये होगा कि जो सिस्टम है वो जितना जितना इस जेओ मेगा एक्सिस के करीब जाएगा उतना ही ऑसिलेटरी इन नेचर होगा रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस जो रेंज होगी वो ऑपरेटिंग वैल्यूज जो हैं वो के की वो स्टेबिलिटी के हिसाब से डिक्रीज हो जाएंगी क्योंकि यहां पर जो है वो जे आ जाएगा उसकी वजह से जो बिहेवियर है वो भी ऐड होना शुरू हो जाएगा तो यहां तक तो बात थी एडिशन ऑफ पोल की अब एडिशन ऑफ जीरोज देख लेते हैं कि वो क्या इफेक्ट डालते हैं अस इंट्रोड्यूस एट जीरो इन दी प्रीवियस क्वेश्चन जो जो हम पहले यूज़ करते रहे k k तो 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 ये देखें और S S तो तो अब जो यहां से root locus है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो मूव कर गया मूव कर रहा है मतलब दैट इज ट्ड जीरो विच इज एडेड

तो जैसे-जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन ऑफ जीरोस का इफेक्ट उसमें आएगा तो इन शॉर्ट एडिशन ऑफ जीरोस क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं रूट लोकस शिफ्ट टू लेफ्ट अवे फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस तो ये इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते हैं इन कंट्रास्ट विद द एडिशन ऑफ पोल्स क्योंकि एडिशन ऑफ पोल्स जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजिस एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस इमेजिनरी एक्सिस दिस मीन्स कि रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो सिस्टम की इंप्रूव होगी। और इसी तरीके से एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस इमेजिनरी एक्सिस दिस मीन्स कि सिस्टम बिकम्स लेस ऑसिलेटरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है जैसे जैसे इस इमेजनरी एक्सिस से दूर जाएगा लेस ऑक्सीटरी होता जाएगा और इसी तरीके से रेंज जो है वो के की जो ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ के है जो सिस्टम को इन द रेंज ऑफ स्टेबिलिटी रखेगी वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब वो इमेजिनरी एक्सिस से नॉर्मली क्रॉस यहाँ पर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो हो होगा कि ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ की जो के की रेंज है वो भी स्टेबिलिटी की इंक्रीज कर जाएगी थैंक यू